हेलो दोस्तों, नमस्कार। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सौर मंडल किसको कहते हैं? सूर्य के साथ जितने भी ग्रह होते हैं उन सबको मिला करके हम सौर मंडल कहते हैं, जिसमें सूर्य उस परिवार का एक मुख्य सदस्य होता है और उसके साथ जुड़े हुए सारे ग्रहों को हम उनका ग्रह कहते हैं। तो देखिए, और ये ग्रह एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखिए, सूर्य एक तारा है और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं तो वे अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर सूर्य के चारों तरफ लगाते रहते हैं। इसका अध्ययन 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने अपने तर्कों के आधार पर यह बताए कि ब्रह्मांड में तारे स्थिर हैं, परंतु ग्रहों के घूमने की उनकी यह पहेली बहुत दिनों तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया था। लेकिन बाद में योहान कैपलर नामक एक खगोलविद थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जितने भी ग्रह होते हैं वे अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, वे दूसरों की कक्षाओं में प्रवेश नहीं करते हैं और वे अपनी अपनी कक्षाओं में ही हमेशा बने रहते हैं। तो इस प्रकार से सौर मंडल में जितने भी सौर परिवार हैं तो सौर परिवार सब अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं और उन कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं। तो देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य को हम तारा कहते हैं, ये ग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे नज़दीक में एक ग्रह होता है जो सबसे छोटा भी है और इसको हम मरकरी कहते हैं और इसे हिंदी में बुध कहते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है और यह सबसे ज़्यादा सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है, क्योंकि इसके ऑर्बिट सबसे कम है, इसलिए सूर्य के चारों तरफ चक्करों की संख्या ज़्यादा करेगा कम समय में। इसके बाद दूसरा आता है जिसको कहा जाता है वेनस। इसको हम हिंदी में शुक्र कहते हैं। यह चमकीला ग्रह है, इसे हम हिंदी में शुकुआ भी कहते हैं। इसके आधार पर वेद पुराणों में शादी विवाह का मुहूर्त या किसी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त भी निकाला जाता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। यह शुक्र जो है, यह शुक्र हमेशा ये बताता है कि लग्न या शुभ लग्न कब से कैसे प्रारंभ होगी। इसी के आधार पर ज्योतिष लोग शुभ लग्न का परिकल्पना करके लोगों को बताते हैं। इसी तरह से अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है जिसको हम कहते हैं अर्थ। यह पृथ्वी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो इस पृथ्वी पर वायुमंडल है, जल है, यहाँ पर जीवन है। तो इस तरह से केवल एक ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल जीवन है, इसके अतिरिक्त
और ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है, और पृथ्वी का एक चंद्रमा होता है जिसको हम उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी के चंद्रमा को उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह जो होता है उसको हम चंद्रमा कहते हैं। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर जिसे कहा जाता है मार्स, हिंदी में इसको मंगल कहते हैं, और इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, इसको हम देख सकते हैं, ये हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद आता है पांचवें नंबर पर जिसको कहते हैं जुपिटर। तो जुपिटर यह जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का है सबसे बड़ा ग्रह है, और इसे हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, इस ग्रह को हम हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, और ये सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन यहाँ पर जीवन नहीं, मतलब यहाँ पर भी जीव नहीं है। इसके बाद आता है छठे नंबर पर सैटर्न को हम शनि कहते हैं, और शनि के में देख रहे हैं इनके पास एक रिंग लगी हुई है, मैंने इनको देख रहे हैं एक रिंग है, इस रिंग को हम कहते हैं किस चीज़ की रिंग है, ये आइस की रिंग है, इसको बर्फ की रिंग कहते हैं। और इसके बाद आता है देख रहे हैं सातवें नंबर पर आता है यूरेनस, इसको हम अर्नस कहते हैं, अर्नस इसको हिंदी में कहते हैं अरुण है, और यह प्लैनेट जो है यह सबसे क्या है, यह सबसे दूर पर है, और यह सबसे भारी भी है, वजन में सबसे भारी है। इसके बाद आता है लास्ट में वरुण, जिसको कहते हैं नेपच्यून, वरुण यह केवल एकदम काले रंग के धब्बे जैसे विशाल आकार में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्रह कितने हो गए, कितने ग्रह हो गए, सब आठ प्लेनेट हो गए, माने आठ ग्रह हो गए। तो आठ ग्रहों में आपने पढ़ लिया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध को इंग्लिश में मरकरी, शुक्र को वेनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, और शनि को सैटर्न, अरुण को अरुणस, और वरुण को नेपच्यून। इस तरह से आठ ग्रह हो गए। इन आठ ग्रहों को कैपलर ने इनके ग्रहों के परिक्रमण और इनके ग्रह जो हैं, ये ग्रह जो हैं कितना पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाते हैं, और सब सारी जानकारियाँ कैपलर ने दिया। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।